तेरी माँ दोनों नेताओं पता हमारा टिफिन दीजिए। टिफिन ही लाई हो? आलू ही होगा है ना। आज नजर दिया ये हम। क्यों आज कुछ स्पेशल प्लान है क्या? एक स्पेशल प्लान ही है। क्या क्या क्या? वो अपना आधा पादा रोड नहीं। हाँ आधा पादा का क्या? उस पे सीधे जाने के बाद दाएं मुड़ते, फिर सीधा होते, फिर बाएं मुड़ते, फिर दाएं बाएं दाएं बाएं बाएं दाएं। 80% ऑफ लगने वाला है फेस्टिवल स्पेशल। तुम ही जाओ। नहीं आ रहा मैं, इतने काम नहीं मुझे। ऐसा ही है इनका, दूसरों के प्रति देखो आगे पीछे करते। सुन भाई। क्या हुआ सुरजी? ललिता कहाँ है? उठ गए? सो रही है अभी तक। मदर क्लास उठ गई मैं अर्ली मॉर्निंग। ललिता इज वेकिंग। नहा लिया क्या? नहीं नहीं। जा रही हो? नहा नहीं जा रही हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। 9 बजे इनका नहाना होता है। सुन भाई मैं आता हूँ दर्शन करके भगवान के। बरबर बॉडी गार्ड के बड़ी याद आ गई आज। मैं जब ऐसे आती थी क्या हूँ मिसिंग यू बॉडी गार्ड। अरे हाँ उसको मैंने कहा था तुझे वापस लाने की। करूँगी कोई साजिश। साजिश का समय आ गया। आज फिर से सुनने लगाने लेट है। पता नहीं कहाँ पे रह गए। सुमित्रा जी ये शिक्षु कहाँ पे कर रही हो ना? हाँ मैं ही कर रही थी। क्या काम है आपका? वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अपना वो आपका क्या उसका नाम भी नहीं है। दिल पे काशिप जी बॉडीगार्ड उसका नंबर है क्या आपके पास? क्यों चाहिए आपको उनका नंबर? मेरा एक काम है उसके पास, बस उसी के लिए चाहिए था नंबर। है क्या नंबर? माफ कीजिए फिर मेरे पास उनका नंबर नहीं है। क्या काम की? तो कुछ काम की नहीं है। आराम से आ जा लुढ़क जाएगी। A for A for apple. B for buddhi. कितनी बार मैंने बोला है बुढ़ा बुढ़ी ऐसा मत बोला काय। इधर सोसाइटी में 4-5 बुढ़ा बुढ़ी हैं। किसी को लग गया बुरा तो आ जा। हेलो हेलो सुमित्रा जी। हेलो सुनैना बेटा। हैव सुनियो की मम्मी। फिर से लेट। मैं आपके नहा दूं जी। लेट हो गया। सुने ना रानी आप फिर से लेट हो। मैंने लेट कोची मम्मी लेट कोची। सबको पता है कौन लेट करता है। आ जाओ अंदर। आती हूँ मैं। अच्छे से करना डांस क्लास। बाय बाय। ख्याल रखना इसका। हाँ अरे हाँ श्रेया के दादी ने उसको रखा था। उनके पास होगा बड़े वाले का नंबर। शर्मिला आओ भाई दरवाजा खोल। हेलो सुमित्रा। हेलो शर्मिला। अंदर आती हूँ। आज भी औरत है क्या? क्या क्या डायरेक्ट अंदर घुस गई? पूछा नहीं कुछ नहीं। पूछने का क्या अपना ही घर है। बैठो ना बैठो। हाँ मस्त बैठ तो भैया चौबस ले। अब क्या सोफा सेट वाले हो गए तुम। वॉशिंग मशीन आ गए घर में 50,000 की। कुछ भी कहा पर ये सोफा इतना कंफर्टेबल नहीं है। हमारा सोफा बैठते ही मैं नीचे घुस जाती। अपने मुंह को अंदर घुसा पहले। क्या बोलती है तुम्हारे सास ऐसे? कितनी बार मेरे मुंह के ऊपर टांट करेंगे? ब्रांडेड मुंह है मेरा कब समझेंगे? छोड़ो ना ब्रांडेड नहीं है ना इसीलिए इतना थोड़ा रफ है। सॉफ्ट है रफ भी उतना ही है। हमारा एकदम सॉफ्ट 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 है। ब्रांडेड है ना इसलिए फर्क तो वही है बस। ब्रांडेड का और अनब्रांडेड का यही फर्क होता है। नहीं है ना ब्रांडेड सोफा। ये देखो कैसा सॉफ्ट है। हमारा कुशन इससे भी सॉफ्ट है। ये देखो ना नहीं सॉफ्ट ब्रांडेड नहीं है। वैसे आज अचानक हमारे घर पे आके आपने हमारे सोफे पे तो सिर्फ क्यों फैले? कुछ नहीं बस ऐसे है। मैं नहीं मानती कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी इसलिए तुम आई हो। बिना बात के तुम आती नहीं। शर्मिला सुमित्रा देखो इतने सालों से तुम्हें जानती हो। रग रग से वाकिफ हो तुम्हारे।
बताओ क्या बात है, बोलो बोलो। तुम्हारी सास क्या कर रही है? वो नहाने गई है शायद। इतना लेट? कितना देर लेती है? 1 आवर। वैसे उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारे सास के पास जरा काम था। क्या क्या क्या? रुको जरा। वो अपना बॉडीगार्ड नहीं? हाँ। उसको वापस बुलाना है। अगो भाई, हो का? हो। वाह वाह, बुलाओ ना फिर। उसका नंबर नहीं है ना मेरे पास, तुम्हारी सास ने रखा था बीच में उसको, उनके पास होगा नंबर। अरे हाँ। अबे क्या है, मुझे जो प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है उसके लिए तो फोन चाहिए ना उसका। रुको जरा मैं नंबर लेके आती हूँ। मैं ब्रांडेड, मेरी फैमिली ब्रांडेड, मेरा सोफा ब्रांडेड, मेरा कुशन ब्रांडेड, तो नहीं ब्रांडेड, इग्नोर यू। सुमित्रा आ गया? हेलो, मिल गया। एक मिनट नोट डाउन करता हूँ। 9927-5280। थैंक यू सो मच शर्मिला। ए अपनी चुनरी लेके जा ब्रांडेड। अरे मेरा ब्रांडेड दुपट्टा। सच में शर्मिला जैसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। हेलो हेलो, बॉडीगार्ड है ना? हाँ मैं बॉडीगार्ड। पहचाना कि नहीं मुझे? माफ कीजिए पर मैंने आपको नहीं पहचाना। नालायक, इतनी जल्दी मुझे भूल गया? तू मेरा जेरी, मैं तेरी टांग। नाना की टांग? नाना की टांग नहीं, मैं तेरी टॉम, तू मेरा जेरी, नाम मेरा सुमित्रा। जब बातें करती हूँ बड़े बड़े। आ गया समझ में, आप कौन बोल रही हो? रखता हूँ। रख मत, रख मत, बहुत जरूरी बात करनी है। रख क्या रहा है तू? रख मत बिल्कुल, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। देखिए मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तुझे अपना काम जरूरी है या प्यार? क्या ये देखो अपनी नाम क्या है, वो अपनी जोया है ना? उनका क्या? उसने अपने आप को बंद कर दिया कमरे में। What? हाँ, वो उसके साइड में जो रहती है ना शर्वरी जी, उसका और उसका बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हुआ ना, इतना बड़ा झगड़ा, उसको उसको बहुत बुरा लगा, फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया, खोल ही नहीं रही। हम थक गए दरवाजा पेट पेट के। आ जा तू जल्दी आ जा। क्या बात कर रही हो आप? शायद तेरे आने से दरवाजा खोल दे। आ जा जल्दी आ जा। जोया खोल ना दरवाजा। मैं अभी आता हूँ। अभी ध्यान से देखना मैं कैसे स्टेप्स करती हूँ। वैसे तुम काफी इम्प्रूव हो चुकी हो और मैं ये चाहती हूँ तुम ऐसे ही आके इम्प्रूव होती जाओ। काहे काहे ऐसे कांड करती है? 1000 बार हम मना किया है, दूसरों के फट्टों में टांग मत अड़ा, मार खाएगी। सासू माँ, लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट और मैं हूँ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तोहार ये डर्टी पिक्चर बंद कर। ये देख सुमित्रा, तोहार ऐसी हरकतों की वजह से हमारे घर तक झगड़े आते हैं। कोई झगड़ा नहीं होता, जो भी होगा अच्छा होगा। मैं जो भी कर रही हूँ अच्छे के लिए कर रही हूँ। बॉडीगार्ड को मिस कर रही थी और सोया भी कर रही होगी ना उसको मिस, इसलिए मैंने किया। अभी होगा। मत सुन मत सुन, हमारी सुनी मत। तो अगर तू झगड़ा लेके घर में घुसी तो तुझको वैसे ही बाहर निकाल देंगे। जा जा, पता नहीं कहां से आई है बड़े मुंह वाली औरत। इतना तेज क्या बात है, बुलेट ट्रेन जैसा आ गया तू तो। आप हंस रही हो? दरवाजा खोलिए। दोया अंदर डांस क्लास कर रही होगी, बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलने। देखिए आपको दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। एक काम कर, अबे दरवाजा तोड़ दे। शायद अभी मुझे दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अंदर आने की? मैंने कहा था ना ये डांस क्लास सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। बाहर निकली आप, बाहर निकली आप। देखिए आप जो भी समझ रही है बहुत गलत समझ रही है। बस मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, चुपचाप आप निकल जाइए यहाँ से।
जोया क्या हुआ? मैं दरवाजा बंद करके अंदर डांस क्लासेस कर रही थी और इन जनाब ने पता है क्या किया, दरवाजा तोड़ के सीधा घर के अंदर चले आए। पूरी बाबा मेरी बात सुनिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। तो है मुझे ऐसा लगता है तुम्हें एक बार उनकी बात सुननी चाहिए। आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई क्या? आप दोनों के बीच में तो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी ना। हम दोनों की तो कोई लड़ाई नहीं हुई। या आपको किसने कहा? मुझे ये सुमित्रा जी ने कहा, उन्होंने मुझे कहा था आपने खुद को कमरे में बंद कर दिया है क्योंकि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, उस बात का आपको बहुत बुरा लगा, आप दरवाजा नहीं खोल रही हो, आपकी बहुत चिंता हो रही है सबको। फिर मैं दौड़ा दौड़ा आया, फिर उन्होंने मुझे कहा दरवाजा तोड़ो, वो दरवाजा नहीं खोलेगी, इसलिए मैंने दरवाजा तोड़ा। रुकिए रुकिए सुमित्रा जी, आप क्यों घर के अंदर जा रही हो? डर गई क्या सुमित्रा जी? आप निकलिए बाहर, चिल्लाओ चिल्लाओ जितना चिल्लाना चिल्लाओ, घर में घुसोगे क्या मेरा? क्या पाप कर दिया मैंने? ऐसा कुछ नहीं किया। निकल बाहर निकल, सुनो ये नाटक हमारे सामने नहीं करने का, बाहर निकल, निकल बाहर, हम पहले ही मना किए थे ना, निकल बाहर। ससुमा आपकी बहू को वो अच्छा समझ आएंगे, सब ऐसा घूर रहा है मुझे। तो हम बोले थे ये सब करने के लिए, कितनी बार बोला, इतने बड़े मुंह को कंट्रोल में रखा कर, ना ही हमारी बात ही नहीं सुनी, जा बाहर। ससुमा नहीं, जा बाहर चल चल। ससुमा क्या हो रहा है अंकु भाई? जोया बूढ़ी कौन सही जाओ, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर जोया डर? ओहो ये फुसका 2.0 क्यों आया है? श्री आपकी दादी, मैं बताती हूँ ये यहाँ पे क्यों आए हैं। सॉरी वो दरअसल हुआ कुछ यूं कि मित्रा जी कब सुधरोगी आप? क्यों किया आपने ऐसा? खामखा उनको परेशानी और ऊपर से मेरी डांट भी पड़ गई, मुझे माफ करना। आप सॉरी मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है, जिसकी गलती है उसको सजा मिलेगी। ए, किसका डर है? ब्रांडेड हूँ मैं। अगो भाई ससमा अंदर आ जाइए, बंदूक उसके पास बंदूक। क्या डर पोकड़ी, बंदूक से नहीं डरती मैं, समझी ना, क्योंकि मेरे ऊपर नहीं चलाएगा। हाँ आपको नहीं करेगा वो कुछ, पर बंदूक गलती से चल जाती है, बहुत मामले हुए हैं। नहीं डरती मैं। हंस क्या रही है तू? सबसे पहले छुपी थी मैं, बाद में आई हूँ, तू ज्यादा डरपोक मैं कम डरपोक। बहुत परेशान किया है आपने मुझे, मुझे नहीं पूरी सोसाइटी को। अभी ये सोसाइटी की परेशानी मैं खत्म करने वाला हूँ। माफ कर दे रे उसको, माफ कर दे, गलती हो गई। बड़ी वकील बन रही अपने दोस्त की, तू ही जागे या इसको दे दो सजा। नहीं, गुनेगार को सजा मिलनी चाहिए। बराबर, गुनेगार को सजा मिलनी ही चाहिए। ऊपर मारी उसने, देखो देखो ब्रांडेड का मुंह अनब्रांडेड हो गया।